गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र जिसको बोलते हैं। देखिए विद्युत क्षेत्र होता क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे मान लीजिए अपने पास ये कोई आवेश है Q1, इसके चारों तरफ एक क्षेत्र मान लेते हैं। इसमें कोई अन्य आवेश जब प्रवेश करता है तो क्या करता है, वो बल का अनुभव करता है। सपोज करिए Q2 आवेश है, अब Q2 आवेश का भी एक क्षेत्र होगा, तो Q2 आवेश का जो विद्युत क्षेत्र है वो इस Q1 आवेश के विद्युत क्षेत्र से क्रॉस होता है, एक दूसरे से टकराता है, तो यहां पे आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण, ओके। आकर्षण कब लगेगा, जब दोनों एक प्लस हो एक माइनस हो, और प्रतिकर्षण कब लगेगा, जब दोनों सेम हो, या तो माइनस माइनस या प्लस प्लस। इसके ऊपर माइकल फेराडे नाम के एक वैज्ञानिक ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे और उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि कोई भी आवेश होता है ना, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया एक्चुअली कि कोई भी आवेश होता है ना उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है। एक्चुअली ये रेखाएं होती नहीं है, अपन ने कल्पना करी है उसको समझने के लिए, विद्युत क्षेत्र को समझने के लिए। जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू आवेश, तो उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कल्पना करी, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या है। और ये क्षेत्र रेखाएं कुछ ऐसे निकलती है चारों तरफ, ठीक है। और कोई माइनस आवेश होता है तो उस पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की तरफ आती है। अब इन रेखाओं की एक क्षेत्र होता है जिसमें रेखाएं पाई जाती हैं, ऐसा उसने कल्पना करी। तो ये क्षेत्र रेखाएं जब आपस में टकराती हैं तो इनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में अपन नेक्स्ट टॉपिकों में अपन देखेंगे, टॉपिक्स में। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र होता है चारों तरफ का वह क्षेत्र, किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से, ठीक है। अब एक टॉपिक आता है इसमें ही, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए विद्युत क्षेत्र तो वह क्षेत्र होता है जिसमें कोई आवेश बल का अनुभव करता है, और तीव्रता क्या होती है। जैसे मान लीजिए ये कोई आवेश है, अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये क्षेत्र है इसका चारों तरफ का, इसमें कोई अन्य आवेश आया अपने पास, छोटा आवेश मान लेते हैं। इस छोटे आवेश को अपन टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश बोलते हैं, परीक्षण आवेश या बोलते हैं टेस्ट चार्ज, ओके। अब ये टेस्ट चार्ज क्या होता है, एक्चुअली टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश उसको कहते हैं जिसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, लेकिन ये दूसरे के विद्युत क्षेत्र को महसूस कर सकता है, उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करता है। एक्चुअली अगर अपन आवेश बड़ा मानेंगे, इसका विद्युत क्षेत्र अपने को मेजर करना है, तो अगर बड़ा क्षेत्र, बड़ा आवेश अपन मानते हैं, सपोज करो कि एक आवेश है बड़ा वाला और इसका भी विद्युत क्षेत्र है, अब इसका विद्युत क्षेत्र, इसका विद्युत क्षेत्र यहां पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, एक दूसरे के क्षेत्र में आ रहा है, तो यहां बल का अनुभव होने लग गया इसको भी और इसको भी, तो हम ये मेजर नहीं कर पाएंगे कि इसका विद्युत क्षेत्र कहां तक है। तो हमें ये दूसरा वाला जो चार्ज है ये बिल्कुल छोटा लेना है, इतना छोटा कि इसका खुद का विद्युत क्षेत्र बिल्कुल नगण्य हो, ताकि अपने को ये पता लग पाए कि इसका विद्युत क्षेत्र कहां तक है। जब अपन इसको बहुत छोटा लेते हैं तो हम देखते हैं कि ये छोटा आवेश जो है
जब इस बिंदु पर आता है, सपोज करो उसका विद्युत क्षेत्र यहां तक है, तो इस पर आता है तो क्या होता है, इस पर बल लगने लग जाता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण। जो टेस्ट चार्ज होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, एकांक होता है, एकांक धनात्मक आवेश होता है। तो यहां जब इसके ऊपर बल लग रहा है तो कम लग रहा है, थोड़ा और पास आते हैं इस जगह और ज्यादा लगने लग गया, और ज्यादा लगने लग गया, बिल्कुल इसके पास में आते हैं तो बहुत ज्यादा बल लगने लग गया। इसका मतलब क्या हुआ कि विद्युत क्षेत्र जो है ना उसके अंदर उसकी तीव्रता जितनी ज्यादा दूर होगा कोई आवेश उस पर तीव्रता कम रहेगी, और जैसे जैसे पास आते जाएंगे तो तीव्रता बढ़ती जाती है। तीव्रता से ऐसे समझ सकते हैं जैसे धूप होती है, बहुत तेज चिलचिलाती धूप होती है तो अपन थोड़ी देर में ही बहुत गर्मी लगने लग जाती, और अगर धूप कम होती है हल्की जैसे सर्दियों के अंदर कम होती उसको तीव्रता बोलते हैं, एक्चुअली प्रकाश के हिसाब से आप समझ सकते हैं। तो यहां विद्युत क्षेत्र में भी क्या होता है, कोई बहुत ज्यादा दूर है कोई आवेश तो उस पर बल कम लगेगा, जैसे जैसे उस आवेश के पास में आते जाएंगे तीव्रता का मान बढ़ता जाता। इस तीव्रता को अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एकांक धन परीक्षण आवेश पर, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एकांक धन परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश को अपन क्यू नोट से लिखते हैं, और ये बहुत अल्प आवेश होना चाहिए, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, लिमिट डेल क्यू नॉट टेंस टू जीरो। तो जितना बल हो, कितना बल लग रहा है उस पर, इस परीक्षण आवेश पर किसी विद्युत क्षेत्र में, वही उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब ये तीव्रता ऑब्वियस सी बात है कि जितना ज्यादा आपका आवेश होगा उसकी उतनी ज्यादा तीव्रता होगी, और पास आने पर इसकी तीव्रता बढ़ती जाती है। उसका रीजन जैसे मैंने अभी बताया कि कोई आवेश है अपने पास, ये क्यों आवेश है, तो इससे बल रेखाएं ऐसे निकलती है, बल रेखाओं के बारे में अपन देखेंगे। अब मुझे बताओ कि जैसे मान लीजिए ये कोई आवेश है अपने पास, कोई अलग आवेश है, वो इस जगह पर रखा हुआ है, तो इसमें ये तीन बल रेखाएं निकल रही, ठीक है, ऐसे निकलती रहती है। अब जैसे इसको पास में लेके आते हैं इस आवेश को, तो दो बल रेखाएं, यानी ये बल रेखाएं बढ़ती जाएंगी जैसे जैसे अपन पास आते जाएंगे, क्योंकि इन बल रेखाओं के बीच की दूरी जो है ना वो घटती जाती है। जैसे यहां पर दूरी कम है, फिर बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, तो जो आवेश दूर है उसमें से कब कम बल रेखाएं निकल रही हैं, जबकि उसको पास लाते जा रहे हैं तो बल रेखाएं ज्यादा निकल रही है, इसलिए तीव्रता बढ़ती जाती है। एक्चुअली विद्युत क्षेत्र को अपन इन बल रेखाओं के रूप में ही डिफाइन करेंगे आगे, कि जितनी ज्यादा बल रेखाएं होती हैं उतनी ही ज्यादा तीव्रता होती है, यानी इसके समानुपाती होती है बल रेखाओं की संख्या की। तो यहां पर अपन ये देख सकते हैं इसका फॉर्मूला। अब देखिए ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें अगर आप इस तीव्रता को देखना चाहें, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये प्लस क्यू आवेश जो होता है प्लस से बाहर की तरफ होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्लस से तो बाहर की तरफ होती है, और माइनस में जो होती है वो अंदर की तरफ होती है। एक समान अगर विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या होगा, ये बिल्कुल समांतर होती है, एक जो लाइनें होती हैं उनके बीच की दूरी भी समान होगी एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई प्लस क्यू आवेश रखते हैं पर प्लस क्यू, तो इस पर बल कैसे लगेगा, एफ बराबर जैसे यहां से अपन एफ का मान निकाले तो ये क्यू इधर आ जाएगा, मान लीजिए क्यू आवेश है तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर प्लस क्यू आवेश ले लेते हैं, और विद्युत क्षेत्र का मान मान लीजिए ई है, तो एफ बराबर क्यू ई, यानी इस बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगेगा। लेकिन अगर माइनस क्यू आवेश है कोई, तो
माइनस क्यू आवेश तो बल की दिशा क्या होगी, एफ बराबर माइनस क्यू ई, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में इसके बल लगेगा। ये भी आप ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि माइनस क्यू आवेश आ गया, माइनस का मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा। तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास विद्युत क्षेत्र के मात्रक एवं विभवांतर। तो इसको परिभाषा आप लिख सकते हैं, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र दोनों को ही हम कैपिटल ई से ही निरूपित करते हैं। अब देखिए इसके मात्रक, मात्रक में एक मात्रक तो आप इसी से देख सकते हैं, एफ अपॉन क्यू नोट, यानी ई बराबर एफ अपॉन क्यू नोट से निकाल सकते हैं। एफ का मान क्या होता है, न्यूटन में, और ये होता है कूलाम में, तो न्यूटन पर कूलाम। एक मात्रक तो इसका ये हो गया। दूसरा इसका एक फॉर्मूला होता है ई बराबर वी बाई डी, वी वोल्टेज होता है और डी दूरी होती है, ठीक है। तो वोल्टेज को वोल्ट में लिखते हैं, ये हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, ठीक है, या इसको अपन शॉर्ट में लिख सकते हैं वी बाई एम। ये इसके दोनों मात्रक हो गए। विमा क्या होगी, देखिए विमा होगी इसमें, विमा भी अपन फॉर्मूले से निकालते हैं, जैसे ये फॉर्मूला अपने को दे रखा है, ये हो जाएगा E बराबर F, F का मतलब हो गया M1 L1 T माइनस टू। F की विमा क्या होती है बल की, M1 L1 T माइनस टू डिवाइड में Q नॉट की विमा होती है A1 T1, ये पहले चैप्टर पहले अपन देख चुके हैं इस टॉपिक में, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए M1 ये L1 तो ऐसे कैसे ही है अपने पास, ठीक है। T1 में ये T1 जो है ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा T माइनस थ्री, ये ऊपर जाके A माइनस वन, तो ये इसकी विमा होगी। तो अभी तक अपन ने देखा विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें तीसरा टॉपिक आता है टॉपिक, इसमें आता है बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु आवेश कण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए कैसे होगी। मान लीजिए अपने पास कोई आवेश है Q, इससे r दूरी पर एक टेस्ट चार्ज यानी कि परीक्षण आवेश Q नॉट रखा हुआ है। इस बिंदु को अपन P मान लेते हैं, इसको अपन O मान लेते हैं। तो यहां पे दोनों ही चार्जेज को, दोनों ही आवेशों को अपन पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसी हो जाएगी, ओके। अब अपन सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए सबसे पहले अपन फोर्स निकालते हैं, बल। एफ बराबर क्या होता है, कूलाम नियम से लिख लीजिए, कूलाम नियम से एफ बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। निर्वात के लिए अपन देख रहे हैं सबसे पहले, तो ये हो जाएगा Q Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, समीकरण नंबर एक। अभी अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये E बराबर होता है F अपॉन Q नॉट परीक्षण आवेश। तो समीकरण एक व दो से इस E के अंदर F का मान ऊपर से रख देंगे तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon नॉट Q Q नॉट R स्क्वायर, और एक Q नॉट इसमें पहले से ही है ये वाला, ये हो जाएगा Q, एक Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 pi epsilon नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। आप इसको साइड में लिख सकते हैं Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। तो ये होता है R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला। अगर इसमें ये जो आवेश है वो ऋणात्मक होता तो क्या होता है इसका मान, सदिश रूप में अगर इसको लिखना चाहें अपन धनात्मक आवेश के लिए, सदिश रूप में कैसे लिखेंगे, E वेक्टर बराबर 1/4 pi epsilon नॉट Q अपॉन R स्क्वायर R कैप, त्रिज्य दिशा में बाहर की तरफ, जो त्रिज्य दिशा कौन सी होती है, जो इसको मिलाने वाली दिशा है उसी की तरफ है। ऋणात्मक आवेश के लिए क्या होगा, ऋणात्मक आवेश के लिए होगा E वेक्टर बराबर 1/4 pi epsilon नॉट Q अपॉन R स्क्वायर माइनस R कैप, या माइनस यहां पे लगा लो आप, एक ही बात यहां लगाएंगे तो ये आ जाएगा यहां पे आगे, इसमें माइनस का चिन्ह आ जाएगा। और माध्यम के लिए अगर अपन देखना चाहें, ये आप सभी लगा लो 3, ये 4, ये 5, माध्यम में, माध्यम में क्या हो जाएगा, इस एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा, E बराबर 1/4 pi एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर। ओके, ये हो गया अपने पास E बराबर 1/4 pi epsilon नॉट Q अपॉन, ये आ गया बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें आवेशों के निकाय, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखिए इसमें इसकी परिभाषा लिखते हैं। सबसे पहले तो इसमें देखिए कि बहुत सारे आवेश होंगे और किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को देखनी, तो क्या होगा, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहां उपस्थित सभी आवेशों के
कारण स्वतंत्र रूप से विद्युत क्षेत्रताओं के सदिश योग के बराबर होता है। सपोज करिए ये अपने पास कार्टेशियन सिस्टम है, इसमें एक पॉइंट है यहां पे कोई पी, इस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, और आवेश अपने पास है जैसे यहां पे Q1 है, ठीक है, यहां है Q2 है, Q3 है, और ऐसे ही करके Qn, तो सबसे पहला अपने पास यहां हो गया E1, ये हो गया En, ये हो गया E2, ये हो गया E3, R1, Rn, R0, R2, R3, ये O बिंदु हो गया। तो यहां पर बहुत सारी तीव्रताएं होंगी, यानी E1, E2 सबकी वजह से एक तीव्रता आएगी। तो अगर परिणामी तीव्रता आपको देखनी है, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता का मान क्या होगा, सभी तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर, यानी E बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस डॉट डॉट करके EN वेक्टर। ये वैसा ही है जैसे अपन ने बहुल आवेश बल का मान निकाला था, अध्यारोपण का सिद्धांत है, सेम वैसा ही है। अध्यारोपण का सिद्धांत बल पे भी लगा सकते हैं और विद्युत क्षेत्र पे भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं E1 का मान क्या होगा। देखिए अभी अपन ने फॉर्मूला क्या देखा था, टोटल E बराबर इसका मान क्या अभी देखा था मैंने, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो आवेश होता है डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। पहला है Q1 और दूसरा है हमने हमारे पास यहां से यहां तक की दूरी देखेंगे, ये R1 है और ये R0 है, तो ये हो गया R01। तो यहां पे क्या आएगा, R01 का होल स्क्वायर R01 क्या है। इसी तरह से दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 R02 का होल स्क्वायर कैप प्लस 1 अपॉन 4 पाई R03 कैप, और ऐसे अपन करते जाएंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn यहां से अगर अपन देखना चाहें तो कॉमन चीज अपन बाहर निकाल सकते हैं। कॉमन क्या है यहां पे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां हो जाएगा E वेक्टर बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बच जाएगा लास्ट में, ये हो जाएगा Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर R01 कैप प्लस Q2 अपॉन R02 स्क्वायर R02 कैप प्लस Q3 अपॉन R03 प्लस डॉट 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 Qn R0n। ओके, इस तरह से चलता है। अब देखिए इसको अपन जैसे वहां पे अपन ने बल के अंदर लिखा था वैसे ही अपन इसको लिख सकते हैं वापस दोबारा सिग्मा के रूप में। तो 1 अपॉन 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट ये निर्वात के लिए हो गया। और यहां देखिए इसको अपन लगा सकते हैं यहाँ पे सिग्मा का चिन्ह, क्योंकि ये बार बार प्लस आ रहा है। और यहां लिख देंगे अपन क्यू आई अपॉन आर जीरो आई का होल स्क्वायर आर जीरो आई कैप। ओके, ये हो गया हमारे पास विद्युत क्षेत्र। E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आई आर जीरो आई और आर जीरो आई के। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे आपको पता है कि आर कैप यानी एकांक सदिश बराबर क्या होता है, सदिश बटे सदिश का परिमाण। चूंकि यहां पे जो आर जीरो आई कैप है उसकी जगह आप लिख सकते हैं ई बराबर आर जीरो आई वेक्टर बटे आर जीरो आई का परिमाण। तो यहां पे देखिए स्क्वायर तो पहले से ही था, एक और आ गया तो आप लिख सकते हैं इसको ठीक है, और ये हो जाएगा आर जीरो आई वेक्टर। यहां आर जीरो आई अगर अपन देखना चाहें तो क्या होगा, आर जीरो वेक्टर माइनस आर जीरो आई वेक्टर। इसके अंदर इसकी वैल्यू भी रख सकते हैं यानी ई वेक्टर बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा क्यू आई अपॉन आर जीरो माइनस आर आई कैप, और यहां पे हो जाएगा आर जीरो कैप माइनस आर आई कैप, ये भी लिखा जा सकता है। तो ये फाइनली आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की होता है। इसके बाद अपन नेक्स्ट कल करें।